बिजवाड़ चौकी प्रभारी द्वारा महिला के साथ हुई अश्लील हरकत की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे लोगों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया तथा उन्हें उल्टा आरोपी बना दिया। फरियादी सतनाम बग्गा सिकलीकर ने सामाजिक लोगों के साथ एकत्रित होकर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन देते हुए बताया कि 2 मार्च को बिजवाड़ मेले में झूला झूलते समय उनके परिवार की महिला के साथ बिजवाड़ के ही कुछ युवकों द्वारा अश्लील हरकत की गई, जिसकी रिपोर्ट बिजवाड़ चौकी पर करने पहुंचे, जहां चौकी प्रभारी अरविंद भदौरिया ने रिपोर्ट न लिखते हुए डांटते हुए भगा दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों की रिपोर्ट पर फरियादी और उनके परिजनों को आरोपी बनाया गया। बग्गा के साथ ही समाजजनों ने मांग की है कि चौकी प्रभारी के इस तरह के व्यवहार की जांच कर उन पर कार्यवाही की जाए तथा आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले की एसडीओपी से जांच कराई जाएगी। यदि चौकी प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आज आपने किस संबंध में एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है? बिजवाड़ में जो 2 मार्च को घटना घटी, एक मेले के दौरान एक हमारे समाज जो सिकलीकर समाज से महिला थी, उसका अभद्र व्यवहार हुआ, छेड़खानी हुई, और इस मामले में बिजवाड़ चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं कही। और जब कार्रवाई के लिए समाजजन और पीड़िता जब थाने पे गई, चौकी पे गई, तो चौकी प्रभारी ने उल्टे इनको धुतकार के भगा दिया और यहां तक कि जो आरोपी थे उनको फरियादी बना के इनके खिलाफ ही एक अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इस मामले को लेकर हम आज एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और आवेदन दिया, और हमारे साथ में जो पंजाब से सिख समाज के एक खालसा हॉलैंड सोसाइटी के मेम्बरान हैं वो हमारे साथ हैं, सिख समाज की शिक्षा पे काम करते हैं। ये जब रूटिंग पे काला पट्ठा के दौर में गए थे तो साथ ही उनके सतनाम सिंह बुग्गा जो वर्तमान पार्षद है नगर परिषद सतवास से, ये जब चौकी प्रभारी से मिले तो चौकी प्रभारी जो भदौरिया जी हैं उन्होंने इनको भी धुतकार के वहां से भगा दिया और यहां तक कह दिया कि ऐसा कोई गलत घटना नहीं घटी है और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप लोग जो भी करना चाहे आप लोग अपने स्तर पे करें। यानी कि बोला कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, बलात्कार हो जाता तो हम रिपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? बोले जी, बोले आपसे जहाँ जो बने वो जाकर शिकायत कर, चलो निकल लिया। आज आपको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? आश्वासन ये रहा कि अभी हमें फिलहाल कांटापुर थाना जाके गौड़ साहब जो वहाँ के TI है उनसे मिलकर इस मामले में एक FIR करनी है, और जो बुरा व्यवहार चौकी प्रभारी का रहा उस मामले में उचित जाँच के लिए एडिशनल SP साहब ने हमें कहा है कि उचित जांच करके आपके SDOP को उन्होंने रेफर किया है, वो जांच करके जो भी प्रतिवेदन देते हैं हम लोग उस प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हैं कि उचित जांच। जी सर, बताया सिख समाज के लोगों ने आपको किस संबंध में ज्ञापन दिया है? काला पट्ठा के कुछ लोग आए थे, इनका कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन काला पट्ठा की रहने वाली एक महिला के साथ कुछ लोगों ने आपस में इनकी मारपीट हुई है, उसकी रिपोर्ट इनने चौकी में की थी तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और सामने वाली पार्टी की ओर से इनके पक्ष को मुलजिम बना दिया गया है। तो मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इनकी भी सुने और इनके भी आवेदन पत्र पर वैधानिक कार्रवाई करें और दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें ताकि आगे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और हमने इनको आश्वस्त किया है कि इनकी मांग पर उचित कार्रवाई की जाए। सर, पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं लोगों के द्वारा? इनने जो आवेदन पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, उसमें बिजवाड़ चौकी प्रभारी के द्वारा अभद्रता की शिकायत की गई है, इसकी जांच SDOP से कराई जाएगी और अगर ये सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।